देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। रुड़की में 29वां सड़क सुरक्षा सप्ताह अभियान के तहत ट्रैफिक पुलिस और आरटीओ प्रशासन द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें ट्रैफिक पुलिस और विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने रैली निकालकर यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया। साथ ही स्कूली बच्चों को कार्यशाला के जरिए यातायात के नियमों का पाठ भी पढ़ाया गया, जिसके बाद नियमों का पालन करने की बच्चों को ट्रैफिक पुलिस ने शपथ दिलाई। गौरतलब है कि भारत सरकार द्वारा 23 अप्रैल से 29 अप्रैल तक सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी विभिन्न संस्थानों पर जाकर लोगों और स्कूली बच्चों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक कर रहे हैं। वहीं ट्रैफिक पुलिस अधीक्षक विपेंद्र कुमार ने कहा कि 29वां सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत लोगों और बच्चों को नियमों की जानकारी दी जा रही है, जिससे आए दिन सड़कों पर बढ़ रही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही सभी को हेलमेट और यातायात के नियमों का पालन करने को लेकर जागरूकता अभियान शहर भर में चलाया जा रहा है। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तराखंड के रुड़की से अली जैदी की रिपोर्ट। भारत सरकार द्वारा 29वां सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके तत्वाधान में ये 4-5 स्कूलों के छात्रों के साथ में ये रैली निकाली गई थी, जिसका मकसद था कि सभी लोगों को सड़क सुरक्षा के संबंध में अवगत कराना था, उन्हें सचेत और जागरूक करना था कि सभी लोग सड़क पर सुरक्षित चलें और सुरक्षित रहें। आज तक जिस तरह से सड़क पर दुर्घटनाएँ बढ़ रही हैं, उनको रोकने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए यातायात नियमों के प्रति इस तरह से स्कूल बच्चों को और सामाजिक संगठन में एक लोग को शामिल करते हुए और आम जन को जागरूक करने के लिए एक सड़क सुरक्षा रैली निकाली गई। तो लोग बाइक पर चलें तो बिना हेलमेट ना चलें, कार पर चलें तो बिना सीट बेल्ट लगाएं ना चलें, यातायात के नियमों का पूरा पालन करें, ओवर स्पीडिंग ना करें, इसके लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए यह रैली निकाली। देख रहे हैं क्राइम स्टोरी।